शट डाउन टीम और शॉट के पास क्या बुया है, बिल्कुल है, करीब है। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है, जब इंडियन टीम एलिट ने फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप टूर्नामेंट का लास्ट मैच कालाड़ी मैप के एंड में ई अरिना एंड जीपीएक्स जैसे टीम को एलिमिनेट करके 8 किल प्लस बुया किए थे, तभी इंडियन प्लेयर्स जो स्ट्रीम देख रहे थे, कास्टर्स सभी बहुत खुश हो गए थे एंड एक अलग सा ही प्राउड फील हो रहा था यार। वो बात अलग है, उसके बाद से अभी तक वैसा प्राउड मोमेंट एक बार भी नहीं हुआ। बट हमारा नहीं तो किसी और टीम का ऐसे ही। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी टीम हॉट शॉट की, जो फर्स्ट टाइम अपना पहला इंटरनेशनली बुया करते हैं, वो भी वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री फायर टूर्नामेंट फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के अंदर। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक प्लेन्स मैच 4 मैप एल्पाइन, जिधर 15 मिनट बीत जाने के बाद 6 टीम्स अलाइव थी और टीम हॉटशॉट इस घर के ऊपर से टीम नागौरा के साथ फाइट ले ही रही थी कि तभी जोन उनके थोड़ा सा बगल में ही बनता है। अब गाइस, यहां पर जाना पड़ेगा टीम हॉटशॉट को जोन के अंदर, बट उनके सामने जोन पे पहले से ही बैठे थी टीम इवोस फोनिक्स, बट मैन टू मैन डिसएडवांटेज पे रहती है ये फोनिक्स एंड इसका पूरा फायदा उठा के हॉटशॉट आराम से इवोस को अपने रास्ते से हटा के बहुत ही सेफ एंड बेस्ट पोजीशन होल्ड करती है इस मैच का। और यहाँ पे टीम हॉटशॉट का स्नाइपर प्लेयर आनस काफी सही रोल निभाई अपने स्नाइपिंग से, घर के अंदर एंड बाहर टीम नागौरा एंड मैजिक स्क्वाड के प्लेयर्स को एलिमिनेट करते चले गए अपने MA2B और AWM से एंड बस बुया दिला दिया अपना पहला इंटरनेशनल बुया वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक प्लेन्स के अंदर। भी मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं सभी रीजन के टीम्स इम्प्रूव हो रहे हैं, पहले से और भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। और मैं 100% श्योर हूँ इंडियन टीम्स अगर वर्ल्ड सीरीज खेलने जाते इस बार तो जरूर बुया करते, क्योंकि इंडियन टीम्स भी यार पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है अपने आप को, और जितना दिन जाएगा इंडियन टीम्स और भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते दिखेंगे जरूर। बाकी हॉटशॉट ने पहला बुया दिलाया अपने कंट्री को, उनके फैंस भी बहुत खुश हुए होंगे फॉर श्योर, और सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन तो उनके कास्टर्स के थे। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर उधर क्या सीन हुआ। टीम RRQ की जानिब से रिवाइव किया गया था और एक बार फिर रिवाइव कर दिया गया है। ऊपर की तरफ टीम हॉटशॉट मौजूद है जो के ग्लू वॉल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, दो ही ग्लू वॉल रह चुकी हैं। अब अनस के पास शॉट लगा, आसू के पास, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा बिल्कुल, और इवोस अभी भी सामने की तरफ ही मौजूद है। नीचे की तरफ गए तो गए, लेकिन M79 लगेगा आसू, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। दो प्लेयर्स हैं, हॉट शॉट कंप्लीट है, क्या इस चीज का फायदा होगा? नॉक कर दिया गया है, लेकिन यहां से मैजिक स्क्वाड को केल मिलता है RRQ का, और एक्सपेंड भी नहीं रही हमारे दरमियान जो कि इवोस फीनिक्स है, वो शट डाउन हो चुकी है, नहीं रही हमारे दरमियान। हॉट शॉट के अभी के लिए अगर हम बात करें, सिक्का डबल फाइव, नहीं रहे हमारे दरमियान, 3 किल के साथ है, 5 टीम्स आ चुकी हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पॉइंट्स लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी अच्छे शॉट्स भी कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्नैपिंग, शॉट लगा, नॉक किया गया है, किल मिल चुका है, LGDS हो चुकी है, शट डाउन, भूया बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि खतरे की घंटी जो मैं कह रहा था वो टीम आपके पास नहीं है जो कि इवोस फीनिक्स है। M79 एक और यूज किया गया है, ये M79 अगर लगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आना से कॉर्ड पेर को भी यहां पे मैजिक स्क्वाड के नॉक तो करेंगे, लेकिन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, डबल किल के साथ मिल चुका है, टीम हॉट शॉट 5 किल के साथ फ्रॉम पाकिस्तान, शॉट लगाया गया, काफी अच्छी जगह मौजूद है अनस के पास। एक कॉपरे को भी यहाँ पे नॉक किया गया, लेकिन नागौरा मुश्किल लम्हात में मामलात में नजर आएंगे, लेकिन इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा टीम हॉट शॉट, आगे बढ़ना पड़ेगा, टीम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन सामने की तरफ दो टीम्स मौजूद हैं और साथ में ग्लोमेल्डर का भी यूज कर दिया गया, नॉक कर दिया गया अनस की स्नैपिंग, ओह माय गॉड, अनस ऑन स्ट्राइक, ऑन फायर, और RRQ भी हो चुकी है शट डाउन, एक और नॉक मिला अनस को, लास्ट प्लेयर रिमेनिंग टीम मैजिक स्क्वाड नागौरा 6 किल के साथ, लेकिन नॉक मिल चुका है, हॉट शॉट बुया के बहुत ज्यादा करीब थे, ये M79 मिलेगा, मैजिक स्क्वाड होती है शट डाउन, टीम हॉट शॉट के पास, क्या बुया है? बिल्कुल है, करीब है, ओ यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच टीम हॉट शॉट फ्रॉम Pakistan! Team Hot Shot from Pakistan! Oh what my God! Booyah! Kya hi zabardast performance nazar aayi! Aur aakhri moment pe Anas! Key player, striking player! Aur apni team ke liye zyada se zyada kills ikatthe!
सो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी मजा आया या फिर कुछ सीखने को मिला तो फिर एक लाइक एंड दोस्त सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे पता है आप लोग स्पोर्ट्स लवर्स हो, जरूर सब्सक्राइब करोगे, आज नहीं तो कल कर देना, क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आए मैं सत्री, पीस आउट।